आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल अगर वीडियो सुन के चैनल को लाइक शेयर शुरू करें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल हिंदी में है 2500 है फिर 10,000 है पीएम मोदी आई थिंक इनसाइट नॉलेज आई थिंक मुझे लगता है चैनल का नाम है। वीडियो बड़ी वायरल थी मेरे सामने आई तो देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। दोस्तों मालदीव पिछले कुछ दिनों से काफी अजीब हरकतें कर रहा है। अगर हम बात करें तो मालदीव की हरकतों को शेर की गुफा में जाकर शेर के ऊपर पत्थर फेंकने जैसा कहा जा सकता है। भारत जो हमेशा से मालदीव के साथ अच्छे संबंध रखता आया है, आज वही मालदीव भारत के सिर्फ एक फोटोशूट से इतना बौखला गया है कि उनकी तरफ से हमारे खिलाफ काफी भद्दी टिप्पणियां की जाने लगी। लेकिन अब जब भारतीयों ने जवाब देना शुरू किया तो मालदीव के लोग ही अपनी सरकार को कोस रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार की ये बिना मतलब की चौड़ मालदीव की अर्थव्यवस्था को तो बर्बाद करेगी ही, साथ ही वहाँ के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर मालदीव की एक मिनिस्टर की तरफ से ऐसी कौन सी टिप्पणी की गई जिसके बाद भारतीयों ने हजारों की संख्या में मालदीव का बायकॉट शुरू कर दिया है। साथ ही ये भी समझेंगे कि इससे मालदीव को क्या नुकसान होगा और आगे दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य क्या हो सकता है। दरअसल दोस्तों वैसे तो मालदीव के राष्ट्रपति ने भी भारत के ऊपर काफी कड़े शब्दों में बयान दिए हैं, लेकिन सबसे पहले हम मालदीव की मिनिस्टर द्वारा दिए गए बयान के बारे में बात करेंगे। दरअसल मालदीव सरकार में डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट इंफॉर्मेशन एंड आर्ट मरियम शिनवाओ को पीएम मोदी का लक्षद्वीप में जाकर फोटोशूट करना इतना ज्यादा खराब लग गया कि इन्होंने बौखलाहट में आकर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। इन्होंने पीएम मोदी यानी हमारे प्रधानमंत्री को एक जोकर और इसराइल का पुतला तक बता दिया। इतना ही नहीं बल्कि मालदीव की इस मिनिस्टर ने कई हिंदू फोबिक ट्वीट भी किया और भारत के बारे में अभद्र टिप्पणियां की। उनकी इस तरह की भाषा और ट्वीट को देखकर हर भारतीय तो हैरान था ही, साथ ही खुद मालदीव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए जो भारत का हिस्सा है और उन्होंने अपने फोटोशूट और ट्वीट में मालदीव का जिक्र भी नहीं किया। इसके बाद भी आखिर उनकी मिनिस्टर इस तरह का बचकाना बयान क्यों दे रही है जिससे दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक तौर पर निचले स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन मरियम को ये बात समझ नहीं आई कि उनके द्वारा दिए गए बयान भारतीयों को कितना ज्यादा गुस्सा दिला सकती है, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है और मालदीव के लोग बैठकर रोने और अपनी सरकार को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। दरअसल भारतीयों को जब इस ट्वीट के बारे में पता चला तो 8,000 से ज्यादा भारतीयों ने मालदीव में होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया। साथ ही तत्कालीन रूप से 2500 से भी ज्यादा फ्लाइट बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया, जिससे मालदीव को भारी नुकसान होगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री में 2021 के समय भारतीयों ने 23% का योगदान दिया था, जो कि 2023 में सिर्फ 11.7% ही सीमित रह गया। ये सब कुछ ऐसे समय पर हुआ जब मालदीव में सरकार बदली और नए राष्ट्रपति ने भारत विरोधी बयान देने शुरू कर दिए। साथ ही हमारी मिनिमल मिलिट्री प्रेजेंस को मालदीव से हटाने के लिए काफी बेफजूल की हरकतें शुरू कर दी थी और अब लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री के ट्वीट पर मालदीव की मिनिस्टर ने जो बयान दिया वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है और इसका नतीजा मालदीव को मिल रहा है। बता दें कि साथ ही मालदीव के राष्ट्रपति भी कहीं पर कम नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने एक बार फिर से भारतीय मिलिट्री को मालदीव से बाहर भेजने पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत मालदीव से अपनी मिलिट्री को नहीं हटाता तो इसे मालदीव एक गैर कानूनी और अनडेमोक्रेटिक एक्शन कंसीडर करेगा, जिससे वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। मालदीव चाहता है कि भारतीय मिलिट्री पूरी तरह से पीछे हट जाए, जिसके लिए भारत तैयार नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए रणनीतिक महत्व का मामला है। अगर एक ओवरऑल पिक्चर में समझने की कोशिश करे तो मालदीव की सरकार और उनके मंत्रियों की तरफ से लक्षद्वीप में पीएम मोदी के फोटोशूट पर जिस तरह का रिएक्शन और टिप्पणियां देखने को मिली वह न सिर्फ अनप्रोफेशनल है बल्कि समझदारी के सबसे मूल मानकों पर भी खड़ी नहीं उतरती। भारत ने मालदीव को उनकी औकात दिखा दी है कि हमारे देश में खींचे गए सिर्फ कुछ फोटोशूट से उनकी पूरी सरकार हिल गई और 24 घंटे के अंदर मालदीव घुटनों पर आ गया, जिसके तहत सरकार के मंत्री रोते बिलखते और पूरी तरह से बौखलाते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बता दें कि मालदीव की इन गलत हरकतों का जवाब भारत एकजुट होकर देना शुरू कर चुका है। आकाश चोपड़ा जैसे भारतीय क्रिकेटर, बॉलीवुड स्टार जिसमें सलमान खान, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े अभिनेता शामिल है, इन सभी ने एक साथ
जाकर मालदीव के बजाय भारत में टूरिज्म को प्रमोट करने का समर्थन किया। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे भारत दूसरे देशों से ज्यादा अच्छा है और हमें लक्षद्वीप को सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा कई भारतीय सेलिब्रिटी तो सीधे मालदीव के बॉयकॉट करने का भी समर्थन कर रहे हैं, जिससे हम भारतीयों में मालदीव के खिलाफ एकता और पीएम मोदी के लिए समर्थन देख सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो बिना मतलब के भारत से पंगा लेने की आदत अब मालदीव की सरकार को नतीजा देना शुरू कर चुकी है, जो ना ही उनकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा और ना ही मोहम्मद माइजू के अप्रूवल रेटिंग के लिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट बॉक्स में बॉयकॉट मालदीव लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। बाकी विवाद या जो उनकी कंट्रोवर्सी है, ये जो बातें चल रही, वो तो मैं बाद में डिस्कस करेंगे, वो बेकार करते ही आ रहे हैं। जो सीन पीएम मोदी साहब की उस भाई इस वीडियो में दिखाया था, ओए होए होए होए, बहुत खूबसूरत है यार। जो पीएम मोदी खड़े थे ना बीच पर, तो पीछे से बादल, गहरे बादल ब्लैक कलर में, और उसमें परिंदे उड़ रहे हैं, मतलब जिस तरह समा बना हुआ ना बारिश का, तो मुझे तो वो वाला सीन यकीन करें बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। यकीन करें इतना खूबसूरत है ये लक्षद्वीप, इनका बीचेस चेक, ये स्लम है, इंडिया का अपना है। हाँ जी, ये इंडियन का है भाई। मैंने ये शुरू में वीडियोस इससे पहले देखे हैं, इसकी फोटोज वगैरह मोदी साहब के, और वीडियोस भी देखी जा, जिसमें वो पैदल चल के आ रहे हैं बीच पे। ओए ओए ओए। तो यार वाकई ये जब इशू हुआ है ना, रेज हुआ है, तो उस वक्त मुझे पता चला कि ये, मैं समझा कि ये मालदीव में कहीं गए सैर और तफरीह के लिए गए, तो बाद में पता चला कि ये तो इसका अपना ही लक्षद्वीप है, कोई जजीरा टाइप है। तो यार मुझे तो बिल्कुल वही लगा कि मालदीप है, लेकिन यार ये लक्षद्वीप इतना कमाल का और जबरदस्त है। लेकिन जो मालदीप है ना, उसने मुझे लगता है कि ये खुद कुल्हाड़ी मारी है और रास्ता दिया इंडिया को, वो मालदीप की बजाय अपने लक्षद्वीप को है ना संवारे, और वहां पे जो टूरिज्म है और टूरिज्म जो है ना उसको इंक्रीज करे, और इसी वजह से अब 10,000 जो है ना होटल बुकिंग वो मालदीव में कैंसिल हुई है, और 2500 जो है ना एयर टिकट्स कैंसिल हुई है, फ्लाइट टिकट्स जो है ना वो कैंसिल हुई है। वक्ती तौर पर जो इंडिया ने करना था वो तो कर दिया है, अब मसला बहुत ज्यादा जो है ना उलझ चुका है। जो हमने वीडियो देखी है उसमें अपना प्रशांत सर ने वीडियो क्लिप दिखा, वो उन्हें पहले कभी नहीं देखा, मतलब जो मसला जब से बना हुआ है, मुझे देख कर खुद शर्म महसूस हो रही थी कि यार वो इंडिया के बारे में इस तरह कैसे, किसी कंट्री के ऊपर कर ले, इंडिया का छोड़कर किस तरह कर सके, और फिर वो इंडिया कंट्री ऐसा है जिसने शुरू से लेकर आज तक उनकी सिर्फ हेल्प की है, उनको ग्रो करने की कोशिश की थी है, किसी ना किसी तरीके से अपने पांव पर खड़े हो जाए, हर तरीके से मदद की है। लेकिन अब ये सिचुएशन है, देखने वाला ये है कि इंडिया इस मसले को किस तरह हैंडल करता है, उनका मुकम्मल बॉयकॉट हमेशा के लिए करता है, या उनसे माफी उनके साथ अलकात बहाल कर लेगा। अब ये देखना है, हमें तो मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगा जब उन्होंने पीएम मोदी साहब का जो मुजस्मा बनाया हुआ था और उसमें गले में मतलब के ना जूते पहना हुए थे, यकीन करें बड़ा मुझे भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। असल में पता है बाकी अब ये इस वीडियो में एक और पॉइंट आ गया, इसमें ये आ गया कि जो मालदीप चाहता है कि जो इंडियन आर्मी है, सारी बात है, उन्होंने क्योंकि सिक्योरिटी दी हुई है ना मालदीप को, जजीरों को कवर किया, क्योंकि उधर उनके इंटरेस्ट हैं इंडियंस के भी, क्योंकि पूरी एशियन जो उधर दूसरा एशिया खिता उसकी इधर ट्रेड भी होती है, तो इधर से गुजरती है, तो उसके लिए इंडिया की ये स्ट्रेटजिक और जियो पोलिटिकल कामयाबी है कि उन्होंने उधर अपनी आर्मी डिप्लॉय की है। तो वो मोहम्मद मुईज़ क्या उसका नाम, उसने कहा आप अपनी मतलब आर्मी ले जाए, आप क्या लगता है कि इंडिया ले जाए कब करता है ऐसा, हमारी पंजाबी में मतलब एक कह रहे कि बना हुआ है कौल या जो भी कि किसी ने उंगल दी है, मतलब कि इसको ये कहने का मतलब है कि मालदीव को किसी ने उंगल दी है इसका मतलब भी और है। अच्छा मतलब मुझे ये लग रहा है कि चाइना ने वाकई इसको ना उंगल जुंगली है उंगली की है, हाँ पीछे से ना शैतानी की हुई है कि आप इस तरह करें, इस तरह जो इंडियन आर्मी वहां यहाँ से निकलेगी और हम बिल्कुल आपके साथ अलकात अच्छे करेगी, हम आपको पैसा देंगे, जिस तरह भी आगे उन्होंने कन्विंस की कर लिया उसको,
मुझे भी यही लगता है, लगा इंडियन आर्मी हटेगी नहीं, मुझे नहीं लगता। वो कह भी रहे कि हम नहीं हटेंगे, इतने अरसे से भाई उनको सिक्योरिटी दी है और अब जाके जब वो बेहतर उनके हालात हो जाए वो निकल के वापस आ जाए, इस तरह तो नहीं हो सकता। वो फिर मुश्किल ही है यार। मालदीव के पीएम ने भी कह दिया ना कि भाई अगर नहीं निकलेंगे तो हम इसको अनडेमोक्रेटिक मूव समझेंगे, गैर कानूनी हो जाएगा, इलीगल काम हो जाएगा। तो ये हालात वाकई कशीदा होगा अगर ऐसा। अच्छा क्या होगा? अच्छा एक तरह वो सस्पेंड कर रहे हैं उन मिनिस्टर को जिन्होंने पीएम मोदी के साथ खिलाफ वो मरियम ने टॉन्ट किया कि पपिट ऑफ इसराइल, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अब आर्मी निकालो, ये क्या सीन है? ये वाकई अच्छा एक मिनट देख लें कि किस तरह का मामला है, मतलब क्या ये कर क्या रहे हैं, एक किस्म के बुद्ध हुई है ये भी कि एक तरफ निकाल रहे हैं दूसरी तरफ बयानबाजी भी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये किस करवट, लेकिन एक जबरदस्त यार यहाँ पे जो है बॉलीवुड स्टार जो है ना, हाँ उन्होंने भी बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है, सभी ने हाथ में इकट्ठे हो गए, अक्षय कुमार जैसे हो गए, सलमान खान हो गए, उसके बाद जो आलिया भट्ट हो गई और काफी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ना, उन्होंने बड़ा यार स्टेटमेंट दिए और कहा है कि भाई आप लक्षद्वीप जो है ना वो विजिट करें और तो जबरदस्त है यार। अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की इस तरह कोई भी कंट्री या कोई कंट्री के लोग जो है बेइज्जती करते हैं या बुरे कमेंट्स करते हैं या ऐसी ट्वीट्स करते हैं तो उनके लिए भाई इसी तरह से पाकिस्तान से पेश आना चाहिए। पाकिस्तान के पास भी एक आइलैंड है वो कराची के साथ, उसका पता नाम क्या है, उस पर भाई हमारी कंपनी का जो है ना होल्ड होगा, उस पर उस अपना कैंप बनाया, इतनी खूबसूरत जगह पर है, लोगों के लिए घूमने के लिए नहीं है वो। खैर मिलते हैं नए वीडियो में, नाड़ा साथ, अब तक इजाजत।